नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गर्ग एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं दोस्तों इन ट्यूटोरियल्स की श्रृंखलाओं के बीच में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में राग भैरव को जाना था, राग भैरव के परिचय से हम लोग अवगत हुए थे, तो आज के ट्यूटोरियल में दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं राग भोपाली की तरफ। लेकिन दोस्तों, राग भोपाली का परिचय शुरू करने से पहले राग भोपाली के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जाननी बहुत ही जरूरी हैं, जैसा कि राग भोपाली पर आधारित फिल्मी गीत, राग भोपाली का दोहा, राग भोपाली का गायन समय, राग भोपाली का वादी संवादी, राग भोपाली का वर्जित स्वर, और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो राग भोपाली को शुरू करने से पहले, राग भोपाली का परिचय शुरू करने से पहले जाननी बेहद जरूरी है। तो आज हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं राग भोपाली का परिचय। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन हाईलाइट हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम राग भोपाली को शुरू करते हैं उसके दोहे के साथ, जो इस प्रकार से है। थाट कल्याण मनी वर्जित मानत गस्वर वादी, प्रथम पहर निशि गाइये धैवत स्वर संवादी। तो दोस्तों, जैसा कि दोहे में स्पष्ट कहा गया है थाट कल्याण, तो दोस्तों इसका अर्थ यही है कि ये जो राग है ये थाट कल्याण से बिलोंग करता है, थाट कल्याण से ये निकला है। थाट कल्याण का ये जन्य राग है भोपाली। इस राग की जो स्पेशलिटी है वो हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम दोहे की बात कर रहे हैं। तो थाट कल्याण मनी वर्जित, मनी मतलब म और जो नी स्वर है, म और नी यानी कि मध्यम और जो निषाद जो स्वर हैं, ये इस राग के अंदर वर्जित स्वर हैं, इन्हें इस राग के अंदर नहीं लिया जाता। मानत ग स्वर वादी, जो ग जो स्वर है वो इस राग का वादी स्वर है, और जो ध है यानी कि धैवत जो है वो संवादी स्वर है। प्रथम पहर निशि गाइये, जो प्रथम पहर निशि मतलब कि रात का जो, रात्रि का जो प्रथम प्रहर है, यानी कि जो रात्रि 6 बजे से 9 बजे तक का जो प्रहर है, उस समय का ये परफेक्ट राग है। उस समय में इस राग को गाने में बहुत ही आनंद आने वाला है आपको। तो अगर आप उस प्रथम पहर का जो, शाम का जो प्रथम पहर, निशि का जो प्रथम प्रहर है, उस समय में इस राग को गाएंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो यही जो है वो इस दोहे का जो एक संक्षिप्त विवरण है, और डिटेल्ड में जाएंगे तो बहुत कुछ बातें और भी सीखने को हैं इस दोहे के अंदर। तो दोस्तों, इस राग का जो गायन समय है वो रात्रि का प्रथम पहर यानी कि 6 से 9 का है, और इस राग की जो जाति है वो ओड़व ओड़व है। ओड़व ओड़व का अर्थ दोस्तों शायद मैंने आपको पहले भी किसी राग के ट्यूटोरियल में बताया होगा। ओड़व का मतलब है 5, और 5 का अर्थ है कि इस राग के अंदर 5 स्वर आरोह में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए ओड़व। और दोबारा से ओड़व हमने इसलिए बोला, ओड़व ओड़व जो हम 2 बार बोल रहे हैं वो इसका मतलब ये है कि आरोह और अवरोह के जो स्वर हैं उसे बता रहे हैं। तो आरोह में ओड़व स्वर और अवरोह में भी ओड़व स्वर ही हैं, यानी कि 5 स्वर ही आरोह में है और 5 ही स्वर अवरोह में है। तो जो 2 स्वर वर्जित हैं वो आप जानते ही हैं, म और नी स्वर वर्जित है। म और नी को ना तो आरोह में लिया जाता है और ना ही अवरोह में लिया जाता है। तो आरोह और अवरोह में अगर म और नी स्वर हम नहीं ले रहे हैं तो इस राग की जो जाति है वो ओड़व ओड़व बन जाती है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इस राग की कुछ विशेषताओं के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इस राग का गायन समय जो है वो भी इसकी विशेषता है, और ओड़व ओड़व जो है वो भी इसकी जाति जो है वो भी इसकी विशेषताएं हैं। और इसके अलावा ये जो राग है दोस्तों ये पूर्वांग प्रधान राग है। पूर्वांग प्रधान का अर्थ होता है दोस्तों ये जो मध्य सप्तक है, मध्य सप्तक का जो पूर्व अंग यानी कि जो पहले का शुरू का जो अंग है, जहाँ से ये सप्तक शुरू होता है यानी सा से ये शुरू हो रहा है, सा रे ग प ध, तो ये जो शुरू के जो स्वर हैं यहाँ से इस राग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यहीं से इस राग को उठाया जाता है। और जो मंद्र सप्तक है, मंद्र सप्तक के जो लास्ट वाले जो स्वर हैं, जो मध्य सप्तक के शुरू के स्वरों के पास में जो स्वर हैं, मंद्र सप्तक के लास्ट वाले स्वर और मध्य सप्तक के शुरू वाले स्वर, ये मिलकर जो एक छोटा सा ये जो एक समूह बना रहे हैं, यहाँ से इस राग की जो है वो प्रारंभ किया जाता है। तो यहाँ से इस राग को बहुत ही सुंदर रूप मिल जाता है दोस्तों। तो इसीलिए इस राग को पूर्वांग प्रधान राग कहते हैं। इसी राग के इन्हीं स्वरों को सारेगापा धसा और साधापा गरेसा, सेम आरोह अवरोह भी सेम रहेंगे,
और स्वर भी पांच और पांच ही रहेंगे। अगर ये जो राग है ये उत्तरांग प्रधान हो जाएगा, उत्तरांग प्रधान हो जाएगा तो ये राग देशकार बन जाएगा। इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो चेंजेस किए जाएंगे, उसके वादी संवादी में, गायन समय में थोड़ा बहुत चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन सब कुछ सेम काफ़ी हद तक रखने पर ये राग देशकार बन जाएगा अगर ये उत्तरांग प्रधान राग हो जाएगा। तो इस ये जो है इसकी मुख्य विशेषता है कि ये पूर्वांग प्रधान राग है। तो दोस्तों इस राग में ध्रुपद, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना बखूबी गाए बजाए जाते हैं और जो ठुमरी है वो नहीं गाई और बजाई जाती, तो ये भी एक विशेषता है इस राग की। तो दोस्तों बहुत पुराने जो संगीत है, पुरातन काल के अंदर जो संगीतज्ञ इस राग को जो गाया करते थे वो प और रे स्वर की संगति अधिक किया करते थे। तो आज के जो संगीतज्ञ हैं, मतलब आज के जैसे कहते हैं ना, समय बदलते बदलते कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो उस तरीके से अगर हम देखें तो पुराने संगीतज्ञों से लेकर आज के संगीतज्ञों में प और रे की संगति अब नहीं की जाती इस राग में। और ये भी अब हम कह सकते हैं कि ये थोड़े चेंजेस आ गए हैं, तो ये भी एक विशेषता आप इसे कह सकते हैं या फिर एक चेंज कह सकते हैं इस चीज़ को आप। और कर्नाटक संगीत में इस राग को मोहन राग कहा जाता है। तो ये जो राग है आपका राग भोपाली, राग भैरव और राग यमन कल्याण, तो ये जो दोस्तों तीन राग हैं ये बेसिक राग हैं। जब भी आप संगीत सीखने कहीं भी जाते हैं तो आपको इन तीनों रागों में से ही कोई ना कोई राग सिखाया जाएगा। या तो आपको राग भैरव सबसे पहले सिखाया जाएगा या राग भोपाली या राग यमन कल्याण। तो इन तीनों रागों में, मतलब अब ये जो तीन जो राग हैं ये बेसिक राग हो गए, तो इन तीन रागों में से ही आपको कोई ना कोई राग सबसे पहले पढ़ाया और सिखाया जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस राग की प्रकृति के बारे में। तो जो प्रकृति है इस राग की वो बिल्कुल भक्ति रस से भरी हुई है। भक्ति रस भी कह सकते हो आप इसको, प्रेम और प्यार की जो रस है वो इस राग के अंदर बहुत ही निखर कर आता है। तो दोस्तों बहुत से गीत हैं जो इस राग भोपाली पर आधारित हैं और लता जी जो भारत कोकिल हैं उन्होंने इस राग पर बहुत से गीत गाए हैं फिल्मों में। और सबसे पहले मैं बात करूंगा उस गीत की जो मुझे बहुत ही पसंद है, पंख होते तो उड़ जाती रे। ये फिल्म 1963 में आई थी, फिल्म का टाइटल था सहरा और इस गीत को गाया था लता मंगेशकर भारत कोकिला ने। बहुत ही सुंदर गीत है दोस्तों, आप चाहें तो YouTube पर इसे सर्च करें, सुने, बहुत ही आनंद आएगा आपको इस गीत को सुनकर। और एक गीत है दोस्तों दिल हूं हूं करे, ये था फिल्म रुदाली से जो अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया जी पर फिल्माया गया था और इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने। ये फिल्म आई थी 1993 में दोस्तों, बहुत ही बड़ी सुपरहिट फिल्म थी ये। और दोस्तों एक बेहद खूबसूरत गीत जो लव इन टोक्यो फिल्म से था, ये 1966 में आई थी ये फिल्म और टाइटल था गीत का सायोनारा सायोनारा। इसे भी अपनी आवाज़ से सजाया था लता मंगेशकर जी ने। तो लता मंगेशकर जी के बहुत सारे गीत हैं दोस्तों राग भोपाली पर, तो इसके अलावा भी बहुत से गीत हैं जिसे मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो भी। तो दोस्तों एक गीत है फिल्म सिलसिले से देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, ये फिल्म आई थी 1981 में और इसे अपनी आवाज़ से सजाया था किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी ने। ये भी बहुत प्यारा गीत है। तो मेरा जो कहने का जो मतलब है दोस्तों वो ये है कि आप इन गीतों को सुनिएगा जरूर, चाहे एक बार सुने आप इन गीतों को, इससे सुनकर आपको राग भोपाली की प्रकृति बहुत ज़्यादा जहन में बैठ जाएगी। और अगर एक राग की जो प्रकृति आपके जहन में एक बार बैठ जाए तो उस राग को सीखना और समझना बहुत आसान हो जाता है। तो इस बात को जरूर माइंड में रखिएगा। तो आपको इन गीतों को एक बार सुनना जरूर है, चाहे भले ही वो एक बार सुने आप। और इसके अलावा दोस्तों एक फिल्म आई थी 1985 में, ये फिल्म थी सुर संगम और इस फिल्म में एक गीत था जो छोटी सी एक बंदिश भी है राग भोपाली की, जिसका बोल कुछ इस तरीके से है, जाऊं तो रे चरण कमल परवारी। और ये बहुत ही प्यारी बंदिश है और मैं आपको अपने अगले वीडियोस में जब आपको राग भोपाली की जो बंदिश बताने वाला हूँ वो यही बंदिश मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत प्यारी बंदिश है, मेरी फेवरेट है राग भोपाली की। इसके अलावा दोस्तों कुछ गीत नए हैं अभी बाजीराव मस्तानी जो बेहद सुपरहिट फिल्म गई है, इस फिल्म का ये 2015 में फिल्म आई थी और इस फिल्म का एक बेहद प्यारा सा क्लासिकल सा गीत है आयत।
जिसे अरिजीत सिंह जी ने गाया था। तो इस गीत को भी आप जरूर सुनिएगा दोस्तों। और दोस्तों 2007 में एक फिल्म आई थी नमस्ते लंदन। इस फिल्म का एक बेहद खूबसूरत गीत जो जिसे गाया था राहत फतेह अली खान जी ने, मैं जहां रहूं, तो ये गीत भी राग भोपाली पर ही आधारित है। तो इन सभी गीतों को जितने आपको आपसे हो सके, मेरे ख्याल से मुझे लगता है ज़्यादातर गीत आपने सुने भी होंगे इनमें से, और अगर नहीं सुने तो प्लीज़ आप सुनने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको राग भोपाली का नेचर समझ में आएगा और आपको पता लगेगा कि राग भोपाली के ऊपर कितने खूबसूरत खूबसूरत गीत बने हुए हैं और कैसी कैसी कंपोजिशंस राग भोपाली के अंदर हैं। तो दोस्तों ये थी वो जरूरी बातें जो राग भोपाली को शुरू करने से पहले जानने से पहले जाननी बेहद जरूरी थी। और अगले ट्यूटोरियल में, राग भोपाली के अगले ट्यूटोरियल में दोस्तों हम लोग बात करेंगे राग भोपाली के आरोह अवरोह पकड़ और आलाप को किस तरीके से लगाना है, ये सीखेंगे दोस्तों हम अगले ट्यूटोरियल में। और दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा दोस्तों, नमस्कार।